व्यूअर्स, नारियल चटनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाया क्या आपने? बचे हुआ एक चटनी से एक ब्रांड न्यू रेसिपी बनाएंगे हम, वो है आलू करी। आइए सीखेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल आयर कलनरी क्लासिक्स एंड एंजॉय माई कुकिंग वीडियोज। एंजॉय किया आपने कुकिंग फैक्ट्स? ठीक है, अभी शुरू करते ग्रेवी से। इंग्रेडिएंट्स: एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 5 से 6 चम्मच तेल डालिए। तेल थोड़ा गर्म होने देंगे, ज्यादा हीट नहीं, मीडियम हीट। उसमें दालचीनी, लवंग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसके साथ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमेशा धनिया पाउडर फ्रेश लीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही बढ़िया लगता है। धनिया पाउडर इस रेसिपी में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये सबको अच्छा सा मिलाएंगे। रोस्मेल जाने तक भूनेंगे, ज्यादा देर फ्राई करने के लिए जरूरत नहीं है। चार टमाटर मिक्सी में ग्राइंड करके ऐड करेंगे। उसमें अच्छे से टमाटर पकाना जरूरी है। मिलाएंगे, तेल में लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया इसलिए इसका अच्छे से रंग देता है। तीन कटे हुए लहसुन ऐड करेंगे। चटनी में लहसुन ऐड नहीं किया इसलिए अभी ऐड कर रही हूँ। अभी एक लिड से बंद करके रखेंगे। मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो रहे। इस सब्जी में टमाटर ग्राउंड करके ऐड किया इसलिए बहुत आसानी से कुक होगा। मैंने एक कटोरी नारियल चटनी लिया है, वो अभी पूरा ऐड कर रही हूँ। ये 5 से 6 लोग के लिए काफी होगा। मिलाएंगे अभी उसको।
नीचे जलना नहीं चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्मली मिलना बहुत जरूरी है। ये नारियल चटनी में मैंने प्याज ऐड नहीं किया, अगर आपने ऐड किया तो भी इसमें यूज कर सकते हैं। दो मिनट के लिए एक लिप से बंद करके रखेंगे उसको। नमक अभी तक ऐड नहीं किया मैंने, आप नारियल चटनी पे भी ऐड किया होगा, जितना चाहिए उतना ऐड करिए। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिए। नाश्ता के लिए बनाया, बच गया, ऐसा हो गया तो फिर आप दोपहर में जीरा राइस या वैरायटी राइस के साथ ऐसा सब्जी या भाजी बना के हम खा सकते हैं। दो मिनट बंद करेंगे। अभी हम बॉईल किया हुआ 3 आलू ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। ये आलू और भाजी अच्छे से मिलाएंगे। दो मिनट उसको बंद करके रखेंगे एक लिप से। अभी देखिए तेल निकल रहा है उससे, ग्रेवी भी गाढ़ा हुआ है। अगर अचानक से मेहमान घर पे आ गया, प्याज नहीं है, सिर्फ टमाटर, नारियल चटनी और आलू, इससे हम बना सकते हैं ये यम्मी रेसिपी। ऑलमोस्ट हमारा सब्जी तैयार हो गया है। अभी तड़का लगाएंगे। 1 टेबलस्पून तेल, थोड़ा जीरा, पाव चम्मच धनिया पाउडर खुशबू के लिए, एक मिनट होने दो, पाव चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप होटल में देख सकता है वो लाल रंग मिर्ची पाउडर की वजह से है, 1 सूखा हुआ मिर्ची। फ्राई होने दो उसको। अभी ऐड करेंगे सब्जी में तड़का। धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ,
आपके पास कड़ी पत्ता भी है तो वो तड़का लगाने के समय ऐड करिए, मेरे पास नहीं है। आप देख सकता है बहुत ही यम्मी आलू करी हमारा तैयार है, घर पे सबको पसंद होगा, ज़रूर ट्राई करिए।